हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक कल्याण मैट्रिक इंटर स्कॉलरशिप की। और जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है, और जिनका जिनका भी वेरीफाई हो गया उनका बहुत जल्द ही आपको यूजर आईडी और पासवर्ड देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं किनका किनका वेरीफाई हो गया है और कब तक आप लोग का यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे ई कल्याण के ऑफिशियल वेबसाइट पर। हम लोग आ चुके हैं क्रोम ब्राउज़र पे। यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे edu.dbt.bih.nic.in और इसको सिंपली इस तरह से क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सबसे पहला है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2021 के लिए आवेदन करें। तो इस पर हम लोग सिंपली इस तरह से क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो ये कन्या उत्थान योजना के लिए खुल जाएगा, और इसको हम लोग सबसे पहले डेस्कटॉप साइट में ऑन कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट्स वाले सेक्शन पे हम लोग आ करके डिस्ट्रिक्ट वाइज टोटल समरी लिस्ट हम लोग यहाँ से चेक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिएगा डिस्ट्रिक्ट नेम है, टोटल स्टूडेंट, रजिस्टर्ड स्टूडेंट, और उसके बाद टोटल वेरीफाइड अकाउंट, उसके बाद टोटल रिजेक्टेड अकाउंट, सारा का यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग का जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसको हम लोग इस तरह से क्लिक कर लेंगे, और उसके बाद अपना स्कूल उसके बाद सेलेक्ट कर लेंगे जो भी होगा आपका। उसी तरह से यहाँ पे टोटल स्टूडेंट, रजिस्टर्ड स्टूडेंट, उसके बाद टोटल वेरीफाइड, उसके बाद रिजेक्ट है, टोटल पेमेंट सेंट और टोटल UTR रिसीव। इस तरह से यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं आपका जो भी होगा। मेरा जैसे वैशाली ज़िला है और मेरा नज़दीकी कॉलेज जो है वो है अक्षय वट कॉलेज। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 153 स्टूडेंट यहाँ से पास किए हैं, जिसमें से 153 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जिसमें से 135 स्टूडेंट का वेरीफाई हो गया है, और यहाँ पे 3 स्टूडेंट का जो है रजिस्ट्रेशन जो वेरीफाई किया गया था उनका डॉक्यूमेंट में किसी तरह का गलती था, जिस कारण से रिजेक्ट कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जो यहाँ पे देख रहे होंगे जितना भी वेरीफाई हो गया है उस पर हम लोग को अपना मिला लेना है। यहाँ पे इस तरह से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर का संक्षिप्त रूप देखने को मिल जाएगा। आप लोग अपना इस तरह से चेक कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपको देखना है कि अगर किसी जिसका भी किसका किसका रिजेक्ट हुआ है, तो इस पर यहाँ 3 पे यहाँ पे इस तरह से क्लिक करेंगे तो यहाँ 3 का यहाँ पे आप लोग का जो भी होगा इनका नाम यहाँ पे पता चल जाएगा जिनका भी रिजेक्ट हो गया है। तो यहाँ से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग ने जो रजिस्ट्रेशन किया है उसमें से कितने लोग का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ, कितने लोगों का रिजेक्ट हुआ, वो यहाँ से पता चल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूजर आईडी और पासवर्ड का। जैसे किसी कॉलेज में 135 स्टूडेंट हैं जिसमें से 135 ने रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें से अभी जो है 120 स्टूडेंट का वेरीफाई हो गया है और 3 स्टूडेंट का वेरीफाई नहीं हुआ, यानी कि रिजेक्ट कर दिया गया। फिर भी यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों को ऐड करिएगा तो यहाँ पे 123 ही आता, अभी भी 12 स्टूडेंट का बाकी है। तो ये 12 स्टूडेंट का जब पूरे तरीके से वेरीफाई कर दिया जाएगा, पूरे तरीके से जाँच कर लिया जाएगा, तब आप लोग को यह यूजर आईडी और पासवर्ड आप लोग के ईमेल आईडी और पासवर्ड पे मिल जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप लोग उसी रिपोर्ट्स पे जा करके आप लोग को इसी रिपोर्ट्स वाले पे आ करके आप लोग अपना यहाँ से व्यू एप्लीकेशन स्टेटस कर करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके चेक करेंगे। तो यदि आपका अगर इस तरह का यहाँ पे शो करे अकाउंट रजिस्टर्ड, सारा कुछ यहाँ वेरीफाइड, लेकिन यहाँ पे नो है, तो आप लोग को क्या करना है, सिंपली इसको बैक हो जाना है। यहाँ इस तरह से स्टूडेंट्स वाले पे आकर के हमको क्लिक कर लेना है और गेट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डाल देना है। चलिए हम लोग इसमें डालेंगे। यहाँ पे आप अगर अपना इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हैं फिर भी आपका वहाँ पे सारा कुछ वेरीफाइड दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको लिख रहा है कि योर एप्लीकेशन इज़ नॉट वेरीफाइड, तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन और समय लगेगा, आप लोग का यूज़र आईडी और पासवर्ड ज़रूर आ जाएगा जब वहाँ से वेरीफाइड कर दिया गया है। तो उसके बाद जब यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएगा तो आप लोग अपना फाइनल सबमिट कर सकते हैं अपने इस एप्लीकेशन को। तो इस तरह से आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड बहुत जल्दी आप लोग को मिलने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।